हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 1786 के प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट वन वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस आईएएस कोड के प्रोविजंस पे डिटेल्ड वीडियोज बनाऊं, सो इस वीडियो सीरीज में हम लोग कम्प्लीटली आईएएस 1786 के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। और ये सभी इंजीनियर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर इंटरव्यूज, उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो हमारा आईएएस 1786 प्रोविजन है कि कोडल प्रोविजंस हैं, ये किस बारे में है? दे आर रिगार्डिंग द हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स। आपने पढ़ा होगा कि जब आप कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो तो आप बोलते हो कि हम HYSD रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। तो ये जो हमारा कोड है ये डील करता है कि हमारे जो भी आप कंक्रीट में रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो, दैट इज हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स या वायर्स के फॉर्म में, तो आपको जो स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने हैं वो हमारे इस कोड के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। एंड दिस इज द फोर्थ रिविजन ऑफ दिस कोड। अभी कितने रिविजन हुए वो सब सब्सिक्वेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा रेनफोर्समेंट है, दैट इज माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, जो हम लोग इस कोड में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इज जनरली Fe 250 ग्रेड की स्टील होगी, और जो हमारी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स है वो इससे ग्रेटर ग्रेड की स्टील्स होंगी फॉर अचीविंग द हाई स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। सबसे पहले हमारा जो आईएएस 1786 है वो इनिशियली 1961 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1966, 1979 और 1985 में रिवाइज हुआ। जो सेकेंड रिवीजन था, जब 1966 में रिवीजन किया गया तो हमारा जो आईएएस कोड का टाइटल था उसको चेंज किया गया, एंड जो नया टाइटल था दैट वाज स्पेसिफिकेशन फॉर कोल्ड वर्क स्टील हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट्स टू मोर फोकस ऑन कोल्ड वर्क स्टील रेनफोर्समेंट्स। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 1979 में हमारा एक आईएएस 1139 कोड है जिसमें हम हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स कंक्रीट रेनफोर्समेंट जो थे वो हमने इस कोड में मर्ज कर दिया। दिस वाज इन 1979 वर्जन। तो आईएएस 1139 को हमने आईएएस 1786 में मर्ज कर दिया और टाइटल हमने फिर से रिवाइज कर दिया, और रिवीजन का टाइटल था स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट, जो कि बेसिकली अभी भी कुछ यही है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स या वायर्स जो कंक्रीट रेनफोर्समेंट में यूज कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपने देखा कि यहां पर जो कोल्ड वर्किंग वर्ड था उसको हटा दिया गया। ठीक है, वो इंटेंशनली ऐसा इसलिए किया गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस था हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर कि सिर्फ कोल्ड वर्किंग से ही आपको स्टील प्रोड्यूस करनी है हाई स्ट्रेंथ की, वो रिस्ट्रिक्शन हमारा इस रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में द रिस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड फॉर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले कोल्ड वर्किंग से हम बोलते थे हाई स्ट्रेंथ आपको अचीव करनी है, बट वी हैव रिमूव एंड वो हमारे मैन्युफैक्चरर के डिस्क्रिप्शन पे रखा गया कि आप इन स्पेसिफिकेशन को अचीव करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स इस कोड में दी है वो फॉलो करना है इरेस्पेक्टिव आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री अगर देखें कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स और जो वायर्स हैं हमारे कंक्रीट रेनफोर्समेंट में, ये कंट्री में हमारे बाई कोल्ड ट्विस्टिंग, कंट्रोल्ड कूलिंग और माइक्रो अलॉयिंग प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड कूलिंग प्रोसेस पे हमारा अनेक्षर ए में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स हमें हायर स्ट्रेंथ ग्रेड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हैविंग हायर एलोंगेशन। तो विथ एडवेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे जो भी स्टील बार्स और वायर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो रहे हैं उनके प्रोविजंस को हमने अपने इस रिवीजन में, विच इज बेसिकली द फोर्थ रिवीजन, उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स, और इट इज लेफ्ट टू मैन्युफैक्चरर टू अडॉप्ट एनी प्रोसेस टू सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग वाला जो फेनोमेना है वो यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा।
जो इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन हमारे इस रिविजन में किए गए फोर्थ रिविजन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की न्यू स्ट्रेंथ ग्रेड हमारा Fe 600 इंट्रोड्यूस किया गया था। टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एलोंगेशन फॉर हर ग्रेड के लिए दो कैटेगरीज बनाई गई Fe 600 को छोड़ के, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस की गई। और एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया परसेंटेज टोटल एलोंगेशन एट मैक्सिमम फोर्स, और जो नॉमिनल साइजेस थे वो रेशनलाइज किए गए और 7 mm, 18 mm, 22 mm, 45 mm, 50 mm के जो नॉमिनल साइजेस थे रेनफोर्समेंट बार्स आप जो बोलते हो, ये वाले हमारे रिमूव कर दिए गए। ठीक है, अब स्पेशल ऑर्डर पे ही बनेंगे, अदरवाइज जो नॉमिनल साइजेस हैं, जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं, वो हमारे 7 mm, 18 mm, 22 mm, 45 mm, 50 mm के अवेलेबल नहीं है, इनको रिमूव कर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इनकी अब नहीं होती है। ठीक है, जो फॉलोइंग टेस्ट मेथड्स हैं वो यहाँ पे लेट डाउन है, एंड करेस्पॉन्डिंग जो ISO कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड्स हैं, वो यहाँ पे रिलेवेंटली डिस्प्ले किए गए हैं। तो तीन हमारे मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स हमारा इंक्लूडेड है, टेंसाइल टेस्टिंग मेथड फॉर बेंड टेस्ट इंक्लूडेड है IS 1599, और रीबेंड टेस्ट फॉर मेटेलिक वायर्स एंड बार्स 1786, जो इसी कोड में हमारा रीबेंड टेस्ट दिया हुआ है, जो कि ISO 15630 से गवर्न है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो IS 1786 जब ने 2008 में पब्लिश किया फोर्थ, तो उसके बाद से अभी तक 4 amendments आ चुके हैं इस कोड में, 4 amendments जो कि हम लोग रेलेवेंट जिस जिस क्लॉज में वैलिड होगा वहां वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 amendments में अमेंडमेंट 1 जो था ये आपका नवंबर 2012 में आया, अमेंडमेंट 2 आपका था जुलाई 2013 में आया, देन अमेंडमेंट 3 जो है वो हमारा मार्च 2017 में आ गया, और जो अमेंडमेंट 4 है वो आपका जुलाई 2019 में आया। ठीक है, तो अमेंडमेंट 4 अगर जुलाई का आप देखोगे जो 2019 में आया है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं अभी हमने जो बात की थी टेंसाइल टेस्टिंग के लिए, उसके लिए इन्होंने नॉमेनक्लेचर टाइटल थोड़ा सा चेंज किया है, मेटालिक मिनरल्स मेटेलिक मटेरियल्स करके टेंसाइल टेस्टिंग मेथड ऑफ टेस्ट एट रूम टेम्परेचर कर दिया है, और ये हमारा IS 1608 पार्ट 1 से गवर्न्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लॉज है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर दैट इज 1.1, ठीक है, दिस 1.1 क्लॉज हैज बीन अमेंडेड थ्रू अमेंडमेंट 1 इन 2012, नवंबर 2012 में इस क्लॉज को हमारा अमेंड कर दिया गया है, और जो रिवाइज्ड क्लॉज है वो हम लोग देख लेते हैं कि दिस इज द रिवाइज्ड क्लॉज 1.1 कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स, जो हमारे स्टील बार्स डिफॉर्म्ड स्टील बार्स हैं और वायर्स जिनको हम रेनफोर्समेंट के लिए कंक्रीट में यूज करने वाले हैं, उसको बेसिकली 4 categories में हमारा 4 strength grades में डिवाइड किया गया है, 4 strength grades। ठीक है, ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसमें Fe 415 की सीरीज है, फिर हमारी Fe 500 की सीरीज है, फिर एक Fe 550 की सीरीज है, और एक हमारा 5 Fe 600। तो Fe इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आयरन, 415 इज रिप्रेजेंटिंग दी स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ किस फॉर्म में है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड मिनिमम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस आर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, 0.2% स्ट्रेन के करेस्पॉन्डिंग, यानी 0.002 स्ट्रेन वैल्यू के अगेंस्ट में जो हमारा स्ट्रेस वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, यानी Fe 415 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो हमारी यील्ड स्ट्रेस है दैट इज 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसकी सीरीज में आप देखोगे तो 415 डी भी है और एस भी है, तो जहां पर ये डी और एस आ रहे हैं ये हमारा इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग कि दीज आर दी स्ट्रेंथ ग्रेड्स with enhanced and additional requirements in terms of ductility and other elongation parameters।
ठीक है, तो यहाँ पे Fe 415 तो स्ट्रेंथ ग्रेड को ही इंडिकेट कर रहा है, बट इसके आगे अगर हमारा ये डी और एस लग जा रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ग्रेड्स में हमें एडिशनल और एनहेंस्ड रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। इसी तरह Fe 500 में 500 डी है और 500 एस है, 550 में 500 एस नहीं आता, 550 में 550 डी ही आता है और Fe 600 में सिर्फ Fe 600 आता है। तो ये ग्रेड ऑफ स्टील्स हमारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो IS 1786 है ये कहां कहां कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करता है, तो यहां पर लिखा हुआ 0.2% प्रूफ स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस, बट इट इनहेंस्ड स्पेसिफाइड मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन जो होगा वो हमारा अलग होगा, ठीक है। तो अभी इस कोड में हमारा क्या दिया हुआ है कि दिस स्टैंडर्ड अलाउज द केमिकल कंपोजिशन एंड कार्बन इक्विवेलेंट, इस स्टैंडर्ड्स में हमने जो स्टील है ठीक है उसके केमिकल कंपोजिशन और जो कार्बन है उसमें कार्बन कंटेंट है स्टील में उसको लिमिट किया है, क्योंकि अगर हमारा कार्बन कंटेंट और केमिकल कंपोजिशन ऐसा नहीं होगा कि हम प्रॉपरली वेल्डिंग कर पाए कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस से, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा केमिकल कंपोजिशन और कार्बन इक्विवेलेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है। जो मटेरियल्स हमारे इस लिमिट्स को कंफर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए आपको वेल्डिंग के लिए एडिशनल और स्पेशल केयर्स फॉलो करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल कार्बन, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू, ये कहां पर अप्लाइड है, हॉट रोल्ड स्टील विदाउट सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, हॉट रोल्ड स्टील विथ कंट्रोल्ड कूलिंग। यहां पे मेथोडोलॉजी दी हुई है कि IS कोड किन किन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम बना रहे हैं स्टील वहां वहां अप्लीकेबल है, तो हॉट रोल्ड स्टील विदाउट सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, हॉट रोल्ड स्टील विथ कंट्रोल्ड कूलिंग, टेम्परिंग एंड टू कोल्ड वर्क स्टील, ये सभी के लिए हमारा IS 1786 की जो स्टील के स्पेसिफिकेशन है अप्लीकेबल है, बट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चरर के डिस्क्रिप्शन पे रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि दिस स्टैंडर्ड इज आल्सो एप्लीकेबल टू जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं या वायर्स हैं जो कॉयल फॉर्म में सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड है ये हमारे स्ट्रेटेंड प्रोडक्ट्स के लिए ही अप्लीकेबल है। ये स्टैंडर्ड उन रेनफोर्समेंट बार्स और वायर्स के लिए भी अप्लीकेबल है जिन्हें हम सब्सिक्वेंटली कोट भी कर रहे हैं। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये IS 1786 किन प्रोविजंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो डिफॉर्म्ड बार्स जो रीरोलिंग से प्रोड्यूस कर किए जा रहे हैं, प्लेट्स या रेल जो हमारी रिलीज्ड रेल्स हैं रेलवेज की प्लेट्स हैं जब उनकी रीरोलिंग कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या ऐसे मटेरियल्स को रोल करके बना रहे हैं जिनकी मेटलर्जिकल हिस्ट्री आपको पता नहीं है, तो वो आपके जो डिफॉर्म बार्स हैं जो वो रेनफोर्समेंट डिफॉर्म बार्स जो आप यूज कर सकते हो वो आप IS 1786 से गवर्न्ड नहीं है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रेफरेंसेस का रिवीजन ऑलरेडी हमारे अमेंडमेंट नंबर 4 में कर दिया गया है जिसमें IS 11587 को डिलीट कर दिया गया था और इनके थोड़े से नॉमनक्लेचर चेंज कर दिए गए, तो आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू दिस। इसमें IS 1599 है कि बेंड टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करोगे मेटेलिक मटेरियल्स पे, IS 1608 में टेंसाइल टेस्टिंग है पार्ट वन में, 2062 में हॉट रोल्ड मीडियम और हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील के स्पेसिफिकेशन है, ध्यान रखना IS 2062 जो है हॉट रोल्ड मीडियम और हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, IS 2770 में मेथड ऑफ टेस्टिंग बॉन्ड पुल आउट टेस्ट के को कैसे परफॉर्म करना है वो दिया हुआ है, और 9417 में वेल्डिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, वेल्डिंग आपको को करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस फॉलो करनी है जब हाई स्ट्रेंथ स्टील बार्स आप कंक्रीट RCC में यूज कर रहे हो। सो दीज आर द कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सब्सिक्वेंटली हम लोग और जो स्पेसिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंटली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।